तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्जीनिया वुल्फ के बारे में। वर्जीनिया वुल्फ एक राइटर थी। उनका जन्म 25 जनवरी 1882 लंदन में हुआ था, एज सेम ईयर एज जेम्स जॉइस। उसके पिता का नाम लेस्ली स्टेफन था। वो एक विक्टोरियन क्रिटिक थे और एक बायोग्राफर थे। उनकी मदर एक मॉडल थी और एक इंटेलेक्चुअल लेडी थी। वर्जीनिया वुल्फ के बहुत सारे सिबलिंग्स थे जो कि उसके मदर और फादर के फर्स्ट मैरिज से थी। जी हाँ, उसके मदर और फादर के ये सेकेंड मैरिज थी जिससे वर्जीनिया वुल्फ थी। उसके फादर की फर्स्ट मैरिज W.H. थैकरेज के डॉटर्स के साथ हुई थी और उनसे उसकी एक बेटी थी। और उनकी मदर की जो फर्स्ट मैरिज थी वो हर्बर्ट डकवर्थ से हुई थी और शी हैव 3 सन्स। अब बात करते हैं वर्जीनिया वुल्फ की स्टडीज़ की। वर्जीनिया वुल्फ और उसके सिस्टर कभी भी कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं गई क्योंकि उन्हें घर से अलाव नहीं था। उनके फादर का एक एक्सपेंसिव लाइब्रेरी था। वर्जीनिया वुल्फ उसी लाइब्रेरी में जाती और वहीं पे पढ़ती और लिखती। वहाँ पे वो पढ़ना भी सीखती और लिखना भी सीखती। और वो डिसाइड करती थी कि वो कर ली थी कि वो एक राइटर बनेगी। वो बहुत यंग एज में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें एक राइटर बनना है। वर्जीनिया उस वक्त महज 13 साल की थी जब उनकी माँ की डेथ हो गई 1895 में, और फिर 1904 में उनके पिता की डेथ हो गई, फिर 1906 में उनकी ब्रदर की डेथ हो गई। और वो अपने माता पिता और अपने भाई के बहुत ही करीब थी, उनसे बहुत ही जुड़ी हुई थी। इन तीनों की मौत ने उन्हें झंझोर के रख दिया और उन्हें पूरा ही तोड़ दिया। शी मैरिड विद लियोनार्ड वुल्फ इन 1912। फिर उसके बाद होगार्ट प्रेस के इस्टेब्लिश करती है वो अपने डाइनिंग रूम में, और वो T.S. एलियट और बाकी राइटर्स के वर्क को पब्लिश करती है, उनके ट्रांसलेट को पब्लिश करती है। उनका वर्क जैकोब रूम्स, डे एंड नाइट, मिसेस डोलावे, टू द लाइट हाउस, ऑर्नाल्डो अ बायोग्राफी, द वेव्स, द ईयर्स और भी बहुत सारे। वो एक मॉडर्निस्ट राइटर थी और वो इनर रियलिटी को शो करती थी। वो यूज़ करती थी फ्लैशबैक टेक्निक को। उनका डेथ 1945 में हो गया। असल में उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था रिवर ऑक्यूस में। तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।